अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर कावियानी हूँ, मवद्दत साहब की करीबी रिश्तेदार। अगर हो सके तो मुझे उनके मरीज़ की फ़ाइल दिखा दें, मैं देखना चाहती हूँ। आप मरीज़ से मिलना नहीं चाहेंगी? फ़िलहाल नहीं। सुना है उनको दिली सदमा पहुँचा है। वो पहले भी यहाँ इलाज के लिए एडमिट हो चुकी हैं और अब दूसरी बार आई हैं। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, लगता है वो खुश नहीं रहती। आप उनकी फैमिली से कहिएगा कि उनका ख़ास ख्याल रखें। जी हाँ, ज़रूर, मैं बता दूंगी उनकी फैमिली को। डॉक्टर क्या कहते हैं उनके बारे में? कब डिस्चार्ज होंगी वो? जी, अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो उनको कल ही डीसी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अपनी उस हरकत की माफ़ी चाहती हूँ और उस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अगर मैंने तुम्हारी जगह पर कब्ज़ा किया था तो उसके लिए मुझे भी माफ़ कर देना। यकीन करो, अगर मुझे 1% भी पता होता है कि तुम जिंदा हो तो मैं ये काम कभी ना करती। अब तो हो चुका, कोई बात नहीं। बकौल हाजी अब्बास साहब के, ये सब तकदीर है। हाजी अब्बास कह रही हो? हाँ, आदत नहीं हुई मुझे अभी उन्हें बाबा कहने की, मैं कह नहीं पाती। मुझे सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी नहीं मिली, एक बहन भी मिली है। बहन? मैं जानती हूँ आपकी कोई बहन नहीं है। क्यों नहीं? मेरी एक बहन और भी है। बहन? एक और? उसका नाम खातरा है। वो भी तुम्हारी तरह अचानक ऐसे ही मिल गई। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, कि जो मैंने खोया था उसके बदले मुझे मेरी बहन मिल गई। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी भी एक बहन या भाई हो। माफ़ कीजिए, मैं चलती हूँ, जाना होगा। तुम आ गई ज़ेबा बेटी? मर्ज़िया साहिबा की तबीयत कैसी है? ये तो तुम बताओ ना। मैं क्यों? यहाँ और भी तो डॉक्टर हैं। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ बीमारी के बारे में बताते हैं, तुम्हारी तरह कोई भी उसका दर्द नहीं समझता। तो बड़ी बेटी अब भी आपके काम आती है, सच सच बताएं। ये आपका बहाना है ना मुझे उनसे इस हालत में मिलवाने के लिए, है ना? नहीं, मैं तो इस बात से डरता रहता हूँ कि उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब ना हो जाए। मैं आज ज़िंदगी में पहली बार किसी का सहारा ढूंढ रहा हूँ और वो सहारा मेरी बड़ी बेटी से अच्छा क्या होगा। हाँ, मैं भी अपने आप को गुनाहगार ही समझती हूँ, आपकी तरह। ज़ेबा, कई बार बता चुका हूँ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उनसे अभी नहीं मिल सकती, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं, मैं नहीं जा सकती उनके सामने। आखिर क्यों? उसे तो सब कुछ पता है और उसे तो ये भी पता है कि तुम मेरी पहली बेटी हो। हाँ, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। आप इसरार ना करें, कहा ना उनके लिए ये सब ठीक नहीं होगा। आपकी मेहरबानी होगी, उन्हें ना बताएं कि मैं यहाँ आई हूँ। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? इसलिए कि मैं फैमिली मेम्बर हूँ। नहीं हूँ? हाँ, फैमिली मेंबर हो। कोई कुछ भी कहे लेकिन इस बात से इनकार नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात ठीक हो। मेरी बात ठीक है। माफ़ कीजिएगा, आपके मरीज के साथ रात को कौन रुकेगा? मैं रुकती हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है ज़ेबा को रुकना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। कौन सी माँ? रेहाना साहिबा। सुनो ज़ेबा, अगर आज तुम यहाँ रुक जाओगी तो मुझे तसल्ली होगी। हाँ, तो हम दोनों रुक जाते हैं ना। यहाँ एक को रुकने की इजाज़त है। अच्छा, तो ठीक है, हम मर्ज़िया साहिबा से पूछ लेते हैं कि वो किसको रोकना चाहती हैं। कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ उनके पास। बाबा, ज़ेबा उनकी बड़ी बेटी है ना? हाँ, देख रहे हो, हाजी अब्बास को एकदम दो बेटियां मिल गई हैं। खुदा की कुदरत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत थक गया। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? पुप्पी को तो आने दें। पुप्पी या पुप्पी की बेटी? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। हम पुप्पी को अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पुप्पी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब उनको दो अच्छी बेटियां मिल गई हैं जो उनका हर तरह ख्याल रखती हैं और देखभाल भी करती हैं। जी, तुम मलिहा को इस तरह घूर कर मत देखा करो। ऐसी बातें मत करें, मैं किसी को भी घूर के नहीं देखता। चलो अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, मैं उनको खुदा हाफिज़ कह के आता हूँ। मेरी तरफ से भी कह देना। ज़ेबा यहाँ है क्या? जी। आपको कैसे पता चला? नर्स ने कहा डॉक्टर काव्यानी आई हुई हैं। डॉक्टर काव्यानी? आप उनसे मिलेंगी? ठीक है। दवा हम उनको टाइम पे दे रहे हैं। यहाँ हम उनका हर तरह से ख्याल रख रहे हैं और आप लोग भी उनका ख्याल रखें कि उन्हें कोई सदमा ना पहुँचे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मर्ज़िया साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। तुमने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, नर्स ने बताया कि आप यहाँ हैं। मुझे नहीं लगता था कि वो मुझसे इतनी जल्दी मिलना चाहेंगी। एक काम करो, तुम उनसे जाके कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। यानी मैं झूठ बोलूँ उनसे? पता नहीं, तुम उनसे कैसे भी कहो। अभी उनका मुझसे मिलना ठीक नहीं, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। आप मुझे बताएंगे उनकी बीमारी क्या है? ये मुझसे मत पूछो तुम। कहीं उनको खुदा ना करे बड़ी बीमारी है क्या? अब तुम जो उन्हें मिल गई हो वो हर बीमारी का मुकाबला कर सकती हैं। एक काम करो, उनका ख्याल रखना। ज़ेबा साहिबा नहीं आई ना? वो कोई बात नहीं। ज़ेबा आपको बहुत चाहती है ना? कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे वो रूम नंबर 2 के मरीज के बारे में कुछ पूछना है। जी पूछें। उनकी बीमारी क्या है? आप हैं कौन उनकी जो उनके बारे में पूछना चाहती हैं? मैं बेटी हूँ उनकी। तो अभी तक आपको उनकी बीमारी के बारे में नहीं पता? मैं मुल्क से बाहर गई थी, अभी आई हूँ यहाँ। आप कल तक रुक जाएं, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, फिर उनसे पूछ लिएगा। मैं कल तक नहीं रुक सकती, आप मुझे अभी बताएं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको ट्यूमर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या ट्यूमर है उनको? इसलिए आपको समझा रही थी कि ज्यादा जिद मत करें। माफ़ करना, जगा दिया मैंने तुम्हें। आपकी तबीयत तो बेहतर है? हाँ ठीक है, बस नींद नहीं आ रही। क्या दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, बस जहन में ख्यालात आते हैं मेरे। हमेशा मैं यही सोचती थी कि तुम इतने साल कहाँ थी, कितना तलाश किया तुम्हें, लेकिन पा ना सकी। क्या मेरे ज़िंदा होने पर यकीन था आपको? हाँ, मेरा दिल यही कहता था, इंतज़ार था मुझे तुम्हारा। मैं कभी भी नाउमीद नहीं हुई। इतने सालों कहाँ रही, कैसे ज़िंदगी गुजारी? आप मेरी कहानी सुनना चाहती हैं? तुम अगर चाहो तो। कहाँ से शुरू करूँ अब? उस वक्त जब तुम खोई थी। हौसला है सुनने का? हौसला, हसरत भी है, हौसला भी। पेजमान, अरे अभी तक सो रहा है ये लड़का। उठ जाओ बेटा, कब तक सोते रहोगे? उठो उठो बेटा, देखो सूरज सर पे आ चुका है। पेजमान बेटा, आंखें खोलो, उठो जल्दी। शाबाश, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना वक्त हो गया, कब तक सोते रहोगे? आपको नहीं पता रात को कितनी देर से सोया हूं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो तुमसे अभी बात कर रहा हूँ उसको गौर से सुनो। पुलिस स्टेशन से फोन आया, वो धोखेबाज पकड़ा गया है। उसको पकड़ लिया उन्होंने? हाँ उसी को। आपको यकीन है वही बंदा है? मुझे क्या पता, अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो वहाँ। नहीं मुझे नहीं जाना, आप चले जाएं। उठो यार, उठ जाओ आप। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ बाबा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वही बंदा है जिसे गिरफ्तार किया है। ये तकरीरें बंद करो, अगर मेरे साथ चलना है तो आ जाओ जल्दी। जी अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। सुने बाबा, क्या है? मेरी बात सुने। मुझे नहीं सुन रही कोई बात। वो कल की रात थी, यह आज का दिन है। खुदा मेरी हालत पे रहम करे। पेजमान, पता नहीं आज क्या बात है, किसी के मोबाइल से जवाब ही नहीं आ रहा। किसको फ़ोन कर रहे हो हाजी? मर्जिया की तबीयत पूछने के लिए हॉस्पिटल फ़ोन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं हाजी साहब, अभी मर्जिया से बात मत करें। कल जो आपने उसके सामने एतराफ़ किया है, उसके बाद वो आपको देखना पसंद नहीं करेगी। तुमने तो कुछ नहीं कहा उससे? नहीं, अगर मैं मर्जिया की जगह होता तो ऐसा ही करता। खुदा का शुक्र है तुम उसकी जगह नहीं हो। मैं उससे नज़र भी नहीं मिला सकता, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे बात करूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फूफा? बिल्कुल ठीक। तुम्हारे फूफा हमेशा की तरह ठीक हैं। चलो फूफी कैसी हैं, ठीक हैं? वो भी ठीक है, आज डिस्चार्ज हो जाएगी। खुदा का शुक्र। तुम हॉस्पिटल जाके उसे घर ले आना। ठीक है। हाजी मेरी नसीहत को इतनी जल्दी भूल गए? अरे वाह, ठीक है फूफा जान, आप और अब्बू वहाँ जाएं, मैं फूफी जान को हॉस्पिटल से ले आता हूँ। ठीक है? हाँ हाँ ये ठीक है, तुम मर्जिया को लेने हॉस्पिटल जाओ और हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? आखिरकार उससे मिलना तो है, तो फिर आज ही क्यों नहीं? तुम उससे बाद में मिल लेना, क्या फर्क पड़ता है। बाबा गाड़ी की चाबी दीजिएगा। हाँ ये लो, ख्याल से जाना। जी लाइए। पेजमान। हाँ बोलें बाबा। इधर आओ, वहाँ से हॉस्पिटल नहीं जाते बेटा, यहाँ से रास्ता है। यहाँ नहीं बाबा, मैं ऊपर कपड़े बदलने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ, बिस्तर में से ऐसे ही उठ के आ गया था। वहाँ मलिया भी होगी जब भी तैयारी। अरे बाबा आप भी ना, मैं अभी आ रहा हूँ बस। हाजी साहब रास्ते में बात कर लीजिएगा, अब चलें। चलो ठीक है। हाजी अभी से बता दूं, पेजमान को तुम्हारी बेटी पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहता हूँ पेजमान मेरा दामाद बन जाए। बस मसला ये है तुम उसके बाप हो। ओह अभी उसे दामाद मत कहो, अभी तो शादी में बहुत वक्त पड़ा है हाजी साहब। वैसे हमारे ख़ानदान ने पहले भी एक बार आपसे रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब मैं उस गलती को दोहराऊँगा नहीं। हाँ तुमने ये बात तो सच कह दी, इंसान गलती एक ही बार करता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे झगड़े में नहीं पड़ूँगा, तुम खुद ही जाओ पुलिस स्टेशन। अरे हाजी अरे बाबा एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अब क्या मैं तुमसे किसी बात पर मजाक भी नहीं कर सकता? मजाक मजाक में तुमने सच कह दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है हाजी, आप हमारे सर के ताज हैं हाजी साहब, और मेरा बेटा आपका गुलाम। अब ठीक है, आइए चलिए। या खुदाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मर्जिया साहिबा की बीमारी के बारे में किसी डॉक्टर से राब्ता नहीं किया था क्या? बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर से हमारी एक ही बात हुई थी, और मैं ये खबर आपको सुनाना नहीं चाहता था। लेकिन आपको कैसे पता चला? जाहिर है पूरी रात उनके साथ थी, मैंने खुद ही मालूमात ले ली एक नर्स से उनकी बीमारी के बारे में। मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं ज़रा मर्जिया साहिबा के पास जाती हूँ। जी ज़रूर। आइए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब मेरे मसले होते हैं तो तुम्हारे मसले भी खड़े हो जाते हैं। आपको यकीन है कि आपके मसाइल ख़त्म हो गए? मुझे तो नहीं लगता। हाँ चलो चलिए। चंद रोज पहले हमने कुछ कालीन चोरों को पकड़ा है। वो चोर इतने बड़े धोखेबाज थे कि चाइना के कालीनों को ईरानी कालीन बनाकर मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। उनका मेयार ईरानी कालीन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ईरानी कालीन को मुल्क से बाहर बदनाम कर रहे हैं जी। मुझे भी यही लगता है। इससे पहले भी कुछ मुलजिम ईरानी कालीनों को बाहर भेज चुके हैं। गौर से देखें कि आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? ये तो मुझे सब छोटे चोर लगते हैं, लेकिन मुझे जिसने धोखा दिया वो बहुत बड़ा चोर था। बहरहाल हमें तो हर आदमी पर नज़र रखनी पड़ेगी ना। कभी कभी ये नाजायज़ काम करने वाले और चोर डकैत एक साथ होते हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि जिसने मुझे धोखा दिया वो गिरफ्तार हुआ या नहीं? ये तस्वीरें देखें, ये लोग कल गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग भी दुकानदारों से धोखेबाजी करते थे। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने इस ब्लू कोट वाले को देखा है कहीं। याद आया, मैं इसको जानता हूँ। ये तो एक ड्राइवर है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो तो कल रिहा भी हो गया। वो तो सिर्फ एक ड्राइवर था, उससे ये सामान किसी ने पहुंचाने के लिए कहा था। बाकी लोगों ने उसकी तारीफ की है। हमारे पास उसके मुलजिम होने का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हमें उसे छोड़ना पड़ा। हाजी ये देखो गौर से, ये वही बंदा है जिसने दुकान पे आकर हमसे कालीन लिए थे। मुझे तो वही लगता है। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुमकिन है नादिर उन्हें पहचान ले। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मुझे नादिर के बारे में। मुझे यकीन तो नहीं है कि वो हमें बताएगा। मैं उसे फ़ोन करके देखता हूँ। अगर आपने उसे पहचान लिया है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो फिर आप ऐसा करें, उसको यहाँ बुलवाएं, मैं अपने मुलाजिम को लेकर आता हूँ। ज़रा एक मिनट रुकिए। जनाब नईमी, ज़रा मेरे कमरे में आइए, आपसे काम है। फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं। तुम खुद खरीदोगी क्या? कोई बात नहीं, तुम खुद फूल खरीद के ले आओ अपनी अम्मी के लिए, वरना मैं इसको भेज दूंगी। जी बेहतर। मैंने कभी फूल खरीदे नहीं, लेकिन अब खरीदूंगी। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। मर्जिया साहिबा को हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी उनकी अयादत के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए था। हाँ मैंने उनको बता दिया है। तुम्हें यकीन है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है? नहीं, क्यों नाराज़ होंगी? इसलिए कि हमने तुम्हें वापस करने की कोशिश नहीं की। वो अगर नाराज़ भी हों तो उनका हक बनता है। मम्मा तुम्हारी बात ठीक है मेरी बेटी। इन बातों को छोड़े, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। आप अच्छी तरह तैयार हो जाना, हम लोग आ रहे हैं आपके पास। मलिहा अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा तुम मुझे अपना काम करने दो। हाँ ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। या अल्लाह सब बिखरा पड़ा है, अगर वो यहाँ आ गई तो। कितनी अच्छी लड़की है। होगी नहीं, बेटी जो है आपकी। पता है तुम्हें, इसके मिलने के बाद मेरे दिल को कितना सुकून मिला है। अभी आपको और सुकून मिलेगा जब वो आपके घर में आ जाएगी। अच्छा मैं फूलों के पैसे देकर आता हूँ। अरे अरे रुको, मैं उसे पैसे देना तो भूल ही गई, ये तुम दे देना। नहीं पुप्पी रहने दें, क्या मुझे उनके मिलने की खुशी नहीं है। अच्छा जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये घर तो अभी सेट नहीं हो सकता, बेहतर है मैं खुद ही तैयार हो जाऊं। अरे ये लोग इतनी जल्दी आ गए। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मलिहा घर पे है? नहीं। कहाँ गई है वो? क्या काम है उससे? वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? मुझे बात करनी है उससे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो घर पे नहीं है, तुम किसी और वक्त आना जब वो घर पर हो। अच्छा खुदा हाफिज, मेरा फ़ोन बज रहा है। क्या कर रही हो मलिहा, तुम्हारी वजह से क्या कुछ कहना और सहना पड़ता है मुझे। जनाब मैं आपको बता तो रहा हूँ, उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि मैं बेकसूर हूँ, फिर भी आप मुझे यहाँ पकड़ कर लेकर आ गए। बैठ जाओ इधर। हाजी देखो वो आ गया, अगर वो लोग पूछे तो उन्हें बता देना कि हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मैं तो इसे नहीं जानता। लेकिन उस वक्त तो तुम वहीं पर मौजूद थे, याद नहीं करना। लेकिन हर आने जाने वाले की शक्ल तुम्हें याद नहीं रख सकता ना। उसकी शक्ल से पता चलता है कि एक नंबर का चोर है वो। चलो आओ। चल तो रहा हूँ अब। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और से देखो, इनको जानते हो क्या? हैं किसको? इधर मेरी तरफ। सरकार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इनको नहीं जानता। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूँगा सेठ साहब? देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो कुछ तुमसे पूछा जा रहा है सच सच बता दो। अब इंस्पेक्टर साहब इनको गलतफहमी हुई है, इस बंदे ने मुझे पहचाना नहीं, मुझे जाने दीजिए। इतने शरीफ तो नहीं हो तुम जितने बन रहे हो। जनाब आप इसे गिरफ्तार करके अभी जेल भेजें। आपके पास गवाह है क्या? मेरी गवाही काफी नहीं है। हाँ हो सकता है आपकी गवाही काफी नहीं हो। एक मिनट रुके, मैं अभी गवाह को बुलाता हूँ फोन करके। मोबाइल आपने वापस नहीं किया? अरे नहीं जनाब, ये फोन मैं इंस्पेक्टर साहब से खुद पूछकर लेकर आया हूँ। ठीक है इसको लेकर। अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं, मेरी बात सुने। किसको फोन कर? मैं नादिर को फोन मिला रहा हूँ, वो इस मुलजिम की शक्ल कभी नहीं भूल सकता। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दोनों ने मिल के काम किया है। ओहो फोन बंद है उसका, और जहाँ वो काम करता है मुझे वहाँ का नंबर भी नहीं मालूम। तो तुम उसके घर पर फोन क्यों नहीं करते? मेरा दिमाग खराब हो रहा है हाजी साहब इस वक्त। फोन करो जल्दी। अच्छा हेलो गुलनार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कब? जी मेहरबानी, शुक्रिया। चला गया वहाँ से, वो घर बेचकर कहीं और चला गया है। तो तुम्हें पता नहीं था क्या? क्या आपको पता था? अरे बाबा जब सोहराब तुम्हारे पास काम करता था तब हबीब ने एक दिन उसको बैंक में देखा था। जब हबीब ने इससे पूछा इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो, तो बताया कि नादिर के साथ मिलकर नया घर खरीद रहा है। आप अब बता रहे हैं मुझे? मुझे नहीं पता था तुम्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको सब कुछ पहले से पता था हाजी साहब। हाँ इसीलिए मैंने हबीब को सोहराब का पीछा करने के लिए कहा। सोहराब समझ गया कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह हबीब को चकमा दे के निकल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पहले से आपका उन लोगों पर शक था तो कम से कम एक बार तो मुझे बता देते। पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं बताया तुम्हें। मुझे पता था कि तुम्हारे नादिर और सोहराब से ताल्लुकात खराब हैं, मैं नहीं चाहता था कि तुम उन दोनों से जाके लड़ो। लड़ता? हाँ। मैं उन लोगों से लड़ता? और क्या? बस रहने दें हाजी साहब, दिल चाहता है दीवार में सर फोड़ लूं अपना। बात सुनो। हाँ। वो जरा चाबी देना। कहाँ जा रहा हूँ? किसी काम से जाना है मुझे। तो मैं कैसे जाऊँगा? अरे बाबा, क्या एक दिन टैक्सी में नहीं जा सकते? कभी पैसे भी खर्च कर लिया करो। लाओ इधर, लाओ। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं यहाँ इतने दूर से तुम्हारे लिए आया था। अगर मेरे लिए यहाँ आए थे तो यहीं रुको। अब मैं उस नादिर को हर हालत में यहाँ लेकर आऊँगा। तुम रुको। अच्छा, जाओ। जी, आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, रहने दें, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप भी अंदर आइए। मम्मा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, सलाम कह दीजिएगा उनको। नहीं नहीं, आपको आना होगा। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन मिल लूंगा उनसे, फिर किसी दिन आ जाऊंगा। जैसे आप आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे आपने जहमत क्यों की? अरे नहीं, जहमत कैसी? आपको जहमत हुई, मैं माफ़ी चाहती। कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी इयादत के लिए हॉस्पिटल आती। अरे नहीं, जिसने इतने साल मेरी बेटी की परवरिश की है, उसका शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़ था। मैं जितना सोचती थी और समझती थी, उससे ज़्यादा जवान है आप। मलिहा का हक है वो आपसे जुदा ना हो, क्योंकि उसे इतनी अच्छी माँ जो मिली है। बड़ी मेहरबानी आपकी। इस तरह मुझे अपनी गलती का और एहसास होगा। जितना आप कह रही हैं उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकती हूँ। मेरे शौहर ने कई बार अखबार में इश्तिहार दिया, मैंने हमेशा मना किया। मम्मा छोड़े इन बातों को, मर्ज़िया साहिबा परेशान होंगी। नहीं मेरी बेटी, कहने दो इन्हें। मेरा दिल इतना भी नाजुक नहीं है। यानी इसे वापस करने का रास्ता था, लेकिन आपने वापस नहीं किया। दरअसल जहाँ से मलिहा मिली थी वहाँ बहुत तलाश किया, लेकिन आप लोग नहीं मिले। लेकिन हमें वहाँ से कुछ हासिल ना हुआ। उसके बाद इश्तिहार देना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे इस बच्ची की आदत हो गई थी। आदत हो गई थी आपको? इतना भी नहीं सोचा कि इससे पहले किसी और माँ को इसकी आदत थी। मुझे यकीन नहीं आता कैसे आपने एक बच्ची को उसकी माँ से दूर रखा। कैसे कर सकती हैं ये आप एक माँ के साथ? आप चुप क्यों हो गई मर्जिया साहिबा? बोलिए, इल्तिजा करती हूँ आपसे, जो कहना चाहती हैं कहिए। मैं जानती हूँ आप जो कुछ कह रही हैं दुरुस्त है, हक है आपका। मैं यहाँ किसी को बुरा भला कहने नहीं आई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाना चाहती हैं आप मर्जिया साहिबा? माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। बैठ जाइए। आप जो कहेंगी आपका हक है, आप जो चाहें कहें, ठीक है। कम से कम आप मेरी बात तो सुन लें, दिल की बात तो सुन लें। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं अपनी सफाई दे रही हूँ, और ना ही अपने आप को पारसा कह रही हूँ। लेकिन मेरा दिल भी टूटा हुआ था आपकी तरह। यकीनन आप मेरा दर्द समझेंगी। जब मलिहा वहाँ से मिली तब मेरे जुड़वा बच्चे मर चुके थे। मेरी ये सोच थी कि मेरे बच्चे तो मर गए और अल्लाह ने मलिहा को मेरी गोद में डाल दिया। बच्चों को खोने की वजह से मेरी अकल ने काम नहीं किया और मेरी सोच ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक माँ अपनी बच्ची को देखने और पालने के लिए तड़प रही होगी। मैं खुद परस्त हो गई थी और मुझे मलिहा की बहुत आदत हो गई थी और अब इसे खो देने की मजीद मुझ में ताकत नहीं है। पता नहीं, शायद मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ या शायद तसल्ली दे रही थी मैं, और मेरा ख्याल था कि शायद इस बच्ची की फैमिली जंग में मर चुकी होगी। मामा, बस करें, आज ये बातें ना करें, फिर किसी दिन। नहीं मेरी बेटी, 30 साल से चुप बैठी बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अब दिल का दर्द बताने का वक्त आ गया है। मर्जिया साहिबा और मेरा दर्द एक जैसा है। मेरे दर्द को समझेगी, अगरचे मैं वो औरत हूँ जिसने इन्हें दुख और तकलीफ दी है। ये इंसाफ नहीं है। आप सारी गलती अपने जिम्मे क्यों ले रही हैं? शायद अगर आप मुझे ना उठाती तो मैं वहीं मर जाती। सही कहती हैं। जितना मुझे आपसे शिकायत और शिकवा है, उससे कहीं ज्यादा मैं आपकी मशगूल हूँ। नहीं जी, शायद ये आपका बड़ापन है, इसीलिए आप ऐसे कह रही हैं या मुझ पर रहम कर रही हैं। आप मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगी, कर भी नहीं सकती। मैंने आपको आपकी बच्ची से इतने अरसे दूर रखा। आपने मेरी बच्ची को जिंदगी दी है। मेरी बच्ची को आपने अपनी बेटी समझकर पाला है। ये बहुत बड़ा एहसान है। आप ये बातें दिल से कह रही हैं? जो दुख आपको मिले हैं, ये बातें उनका बदला नहीं हो सकती। मैं बेहतर है अब मैं चुप रहूं। मुझे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी। आप एहसास ना करें, यही तकदीर थी, शायद यही लिखा था नसीब में। ओहो, बड़े लोग आए हैं। लगता है तुम सुधरने वाले नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने कभी मत आना। देख रहा हूँ ये तुम्हारी बदकिस्मती है और ये मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि आज मुझे तुमसे हर हाल में मिलना था। हाँ ठीक है, मैं उनके बीच में आ रहा हूँ, आप जाके अपना काम करें। कहाँ जाऊँ मैं? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तुम यहाँ रिश्ता मांगने आए हो ना? किसका रिश्ता? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पेशमान साहब अंदर नहीं आए, बहुत देर कर दी, मैं उनको लेकर आती हूँ। परेशान मत हो बेटी, बस हम जा रहे हैं। अरे अभी तो आए हैं आप लोग, सफ़र करें, मैं उनको लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पता, और अगली बार मुझसे इस लहजे में बात मत करना और ना ही अपनी ये शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर आना। समझ गए या नहीं? देखो तुम अपने काम से काम रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद यहाँ नजर मत आना। एक बात बताओ, वो देखना पसंद नहीं करती तुम्हें, क्यों आते हो यहाँ पर? तुम अपने काम से काम रखो। हाथ हटाओ इधर से। समझ गए तुम? हाथ हटाओ इधर से। याद रखो वो सिर्फ मेरी है। बात करो, क्या बात किसी की नहीं हो सकती। बात करो, बोला ना। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसका पीछा करो। अपनी माँ को उनके घर में। मलिहा, दावत में आओ। मलिहा बेटा, क्या हो रहा है? कैसा शोर है? मम्मा, ये लड़का हमारी जान क्यों नहीं छोड़ता? ये तो चला गया था ना, फिर ये वापस कैसे आया? इसे पता कैसे चला? आपने बताया था उसको? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। याद है उसने कितनी तुम्हारी तौहीन की थी, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारे माँ बाप बहुत अमीर हैं और तुम्हारी औकात है क्या, तुम जैसे 1000 लड़के खरीद सकता है। तुमने देखा नहीं उसे? ये सुनते ही उसका रंग ही उड़ गया। मुझे लग रहा है आपने टेलीफोन पे उसको सब कुछ बता दिया होगा। क्यों? नहीं, उसके बात करने के अंदाज से मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मुझे पता था आपने बताया है, बस वो एक दफ़ा आया था फिर चला गया। वो एक दफ़ा यहाँ आया और आपने उसको सब कुछ बता दिया। हाँ मेरी बेटी, तुम्हें तो पता ही है ना कितने सवाल करता है वो। अब जब बाहर सब कुछ कर रहा है, वो उसका क्या? सवाल कर रहा था, करने देती। तुम क्यों आए हो इधर? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ मुझे क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मेरी मर्जी में कहीं जवाब दो, मैं पूछ रहा हूँ जवाब दो। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? पागल हो गए क्या? मैंने शुरू नहीं किया, इसने शुरू किया। ये तो बहुत शरीफ है। देख रही हैं आप, माफ कीजिएगा। और जब तुम चले गए थे तुम वापस क्यों आए? तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना ये बात। मैंने मना करा था, मुझसे कोई राब्ता मत रखना। ऐसी बातें मत करो, पछताओगी। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, तुम्हारी समझ नहीं आती तो मैं क्या करूँ? करो जो तुम्हारा दिल चाहे। अब कहाँ जा रही हो? अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। کدوم توفان شبگرد منو آواره این جاده ها کرد. نمیدونم کجای شب اسیرم، کجا باید نشونی تو بگیرم. رویا با حقیقت نمیدونی چقدر تنسوز حجرت. هنوزم خاطراتم را میگردم، دلم گوشم ولی پیدات نکردم. چه زیبا میشه دنیای حقیرم اگه باشی و دستاتو بگیرم. تو این غربت پر پرواز من باش، تموم مهلتم آغاز من باش. نمیدونم کدوم طوفان شبگرد منو آواره این جاده ها کرد. نمیدونم کجای شب اسیرم، کجا باید نشونی تو بگیرم.